नमस्कार जी, मैं हूं कुणाल और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से कटहल, जिसे हम जैकफ्रूट भी कहते हैं, उसे काटा जाता है। कटहल एक बहुत ही बढ़िया सब्जी है जब वो कच्ची होती है, और बहुत ही बढ़िया फल बन जाता है जब वो पक जाता है। अब कटहल के साथ दिक्कत ये है कि एक तो जी ये भारी बहुत है, दूसरा इसे काटना आसान नहीं है। इसके अंदर एक सैप होता है ग्लू की तरह, जो हाथों पे चिपकता है, बुरी हालत हो जाती है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप कटहल की सब्जी बनाते हैं, बिखर जाती है सब्जी बनाते बनाते बिल्कुल छितरी छितरी। सो आखिरकार है कोई ऐसा तरीका जिससे यह आसानी से कट जाए, तो है ना, शुरू करते हैं। हाउ टू कट जैकफ्रूट यानी कटहल। देखिए, कटहल काटने से पहले हमें दो चीजें करनी है। एक है कि बर्फ का ठंडा पानी हमें तैयार रखना है, जिसके अंदर जाएगी थोड़ी सी हल्दी, ये देखिए जी, और थोड़ा सा नमक, क्योंकि कटहल जैसे आप काटेंगे वो काली पड़नी शुरू हो जाती है। तो ठंडे पानी में हल्दी नमक से जब वो मिलती है तो वो जो कालापन है वो रोक देती है। दूसरा, चाकू के ऊपर ऑयल लगाना है, जो भी चाकू आप इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटा है बड़ा, हो सके तो घर पर जो सबसे बड़ा चाकू है उसी का इस्तेमाल करें। ध्यान से चाकू के ब्लेड के ऊपर तेल लगाना है, हैंडल में नहीं, वरना हाथ स्लिप होगा, स्पेशली इस साइड पे। आराम से हाथ मत काट लेना, ये करते करते कटहल काटते वक्त सबको पता है कि जी हाथ में ऑयल लगाना है, लेकिन सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि दोनों हाथों में ऑयल लगा लेते हैं। भाई, अगर दोनों हाथों में ऑयल होगा, चाकू का हैंडल आप कैसे पकड़ेंगे? चाकू तो स्लिप करेगा, उंगली कट सकती है, या फिर आपकी कटहल टेढ़ी मेढ़ी कटेगी। मैं राइट हैंडर हूँ, इसलिए लेफ्ट हैंड में हम ऑयल लगाएंगे, अच्छे से मल्ली ऑयल हो गया, परफेक्ट। अब ये है जी कटहल। सबसे पहले ये ऊपर का जो इसका सिरा है उसे हम काट लें, और देखिए किस तरीके से ये अपना दूध जो है वो निकाल रहा है। अब ये जो है मैंने बिल्कुल सीधा कर दिया है, क्योंकि चॉपिंग बोर्ड पर ये गिरेगा तो चिपचिपा हो जाएगा, इसलिए अलग से एक कटोरी या प्लेट के अंदर इसे निकाल लो। ये देखो, ठीक है, चॉपिंग बोर्ड पे नहीं गया। और ये देखिए, कटहल का जो हिस्सा है उसी से इसे स्क्रेप भी कर सकते हैं यूं। अब ये जो दूध है ये तो निकलता रहेगा, इसलिए ज्यादा देर वेट नहीं करना। ये देखिए, अब ये चॉपिंग बोर्ड खराब नहीं करेगा। हम इसके दूसरे सिरे से भी यूं हल्का सा काट लेंगे। दो सेकंड रुकिए, ये स्टिकी जो इसका दूध है निकल रहा है, इसे भी प्लेट में कलेक्ट कर लीजिए। किसी भी सूरत में ये दूध टेबल, नाइफ या चॉपिंग बोर्ड पे बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए। दो मिनट लगेंगे, बट ये स्टेप जरूरी है। भाई देखिए, ये भी सोच रहा है यार क्या हो रहा है आज, इसी पे चिपक ही नहीं पा रहा, खुद में उलझ रहा हूँ। अब एक बार फिर से चाकू पर थोड़ा सा ऑयल, एक लेयर ऑयल की और, कटहल को अब हम बीचों बीच काटेंगे। ये देखिए, अब देखिए कई लोग क्या करते हैं, जो कटहल होती है उसे गोल 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 काटते हैं। उससे आसान है, क्योंकि गोल आप फटाफट काट लेंगे, आराम से कट जाएगा। लेकिन उसमें क्या होगा, हर जगह से जितने टुकड़े आप काट रहे हैं वहाँ वहाँ से दूध निकलेगा, हर जगह चिपक जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस सूरत में सेंटर में, क्योंकि हमने काटा है, देखिए दूध यहीं से निकलता है, इसके बीचों बीच से, इस तरफ से जितना दूध निकलना होगा मैक्सिमम यहाँ पर निकल जाएगा, और वो वहीं का वहीं निकल आया, वहीं के वहीं हमने हटा दिया, दूध खत्म इसका, दैट्स इट। काटना कितना आसान हो गया, चिपचिपा नहीं रहा, है ना। इम्पॉर्टेंट टिप, इसके साथ भी वही करना, कटहल का दूसरा पीस लेना, उस सिरे से यूं इसे निकाल दें, और बड़ी आसानी से निकल जाता है ये गोल गोल एंड आउट। वंस अगेन, लंबाई में बिल्कुल बीचों बीच इसे हम काट लेंगे। अब की बार देखिए,
दूध की मात्रा बिल्कुल नेग्लिजिबल है, मतलब मैक्सिमम दूध इसका निकल चुका है। वंस अगेन हल्का सा तेल का हाथ लेफ्ट हैंड में ही, और अब इसे हम छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। देख रहे हैं अब दूध नहीं निकल रहा, हो गया काम आसान। अब जी कटहल के ऊपर बिल्कुल मतलब छिलके के नीचे नीचे ज़रा सा हमें इसे काटना है। बहुत ज़्यादा काट देंगे ना तो कटहल जो है वेस्ट होगी और बिखर जाएगी। मेक श्योर आपका चाकू जो है ना बस वो तेज हो। साथ ही कटहल को अब हम यूं चंक्स में काट लेंगे। इसका जो ये सेंटर का स्टेम होता है ज़रा सा काटना है, पूरा काटेंगे ना तो ये यहाँ से बिखर जाएगा, इसलिए इस तरीके से बड़े बड़े चंक्स में कटहल कटेगी और उसके बाद जाएगी सीधा इस पानी में। वंस अगेन मोटा मोटा चंक ये काटेंगे बीच में से, इसको रखा ऐसे। अब इसकी जो छाल है उसको हम निकालेंगे। देखिए बिल्कुल करीब से निकालना है, ज्यादा वेस्टेज नहीं करनी। यूं स्किन के करीब से इसे काटना है ताकि मिनिमम वेस्टेज हो। अब इसके मोटे मोटे चंक्स हम काटेंगे। ये जो इसकी सेंटर की स्टेम है इसे जरा सा काटना है, यूं पूरा नहीं काटना। देखिए कटहल के अंदर इम्पॉर्टेंट है ये फाइबर है पूरा, ये इसके ऊपर का हेड और ये इसका नीचे का जोड़, ये दोनों में से कोई एक खुल गया तो ये रेशा रेशा अलग हो जाएगा। और देखिए हमारी ये बढ़िया कटहल तैयार। अब इसको आप थोड़ा सा पोंछ कर ड्राई करके पैकेट बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, तो उसे 3 दिन में इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर स्ट्रेट अवे अब इसकी बढ़िया सब्जी भी बन सकती है या बिरयानी। वैसे बहुत सब्जी और बिरयानी मेरे चैनल पर है, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। फिलहाल हमारी कटहल डन।